वो या तो शायर होता है या या नहीं नहीं होता है, होता। और अगर वो शायर होता है तो उसके अंदर जो है वो इंसानियत का दर्द और तमाम बनी नौ इंसान के लिए जो मस्बत जज्बात होती हैं वो उसके पास जरूर होते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आज तक आपने किसी भी तारीख में नहीं पढ़ा कि किसी शायर ने किसी शायर को गोली मारी हो, जी जी किसी को बिल्कुल उसके लिए सही उसमें कोई इस बात तरह की बात। ये बहुत ही मासूम अच्छी तबका बात। है, बहुत ही हसास तबका है, और ज्यादा से ज्यादा यही होता है कोई तनकीदी सतह पर कहीं कोई इख्तलाफ होता है तो लेकिन तो इसके बावजूद देखने में आता है डॉक्टर साहब कि अदब के लोग हैं, तो जब जी अदब के लोगों में बेअदबी आती है जी तो फिर जी कैसा महसूस करते हैं आप? जाहिर है जी कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, और वो लोग जो बराह रास्त मुख्तलिफ मरहलों से होकर शेर अदब की सतह पर अपनी उनकी फिक्र की कोई नमू होती है वो कभी भी कोई इस तरह का किरदार अदा नहीं करते जिसे हम उजला ना कह सकें। जी शायर तो बहुत ही उसकी नशिस्त तो बर्खास्त ही बताती है कि वो बिल्कुल हसास तबका होता है और वो कौमों के पूरे लिए रोल माशरे मॉडल को उसका है। जिया रोल मॉडल है। और जी दूसरी बात ये है कि वो जिस महफिल में होता है वहाँ अगर वो इस तरह की कोई जाहिर है फजा पैदा करने की कोशिश करे कि जो तहजीब याफ्ता लोगों को अच्छी ना लगे और उसमें कोई अदब का, तो जाहिर है कि वो अदब की सतह पर बाकी लोग जो हैं वो अपनी औलाद को कभी भी ये नहीं कहेंगे कि ये इस तरह के लोगों में आप उठें बैठें, और वो तो जाहिर है रोल मॉडल है तो उसे फिर रोल मॉडल की तरह रहना चाहिए। बाकी जी कोताहियां खामियां यकीनन हर इंसान में होती जी हैं, जी वो मुझ में भी हैं और सब में हैं और हम इंसान हैं, मगर फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि व्हेन देयर इज अ वे ट्राई टू अडॉप्ट द राइट वे। और राइट बिल्कुल वे ये है कि मुझे हाथ चलाने की आजादी होनी चाहिए मगर मेरे हाथ की आजादी को वहां पे खत्म ही हो जाना चाहिए जहां दूसरे शख्स की नाक शुरू होती है। ये नहीं है कि मैं उसकी नाक जख्मी कर दूं और मैं ये कहूं कि मुझे आजादी है। आजादी की भी एक सतह होती है, उसकी भी कुछ सरहद होती है, सही बात। और तहजीब का भी एक मकाम है और बहुत बेतकल्फी का भी एक मुकाम होता है, मगर वहां जहां कुछ हदूद और कयूद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मजहब ने भी हम पर जो है वो रवा रखी है उनका भी एहतराम जरूरी है। जी हाँ, क्योंकि शायर जो है ना, जी हाँ शायर जो है वो शायर तो बाद में है ना जी, पहले इंसान है। अगर इंसानी सतह पर उसमें वो सोफिस्टिकेशन नहीं है सोच की, उसके बर्ताव में, उसके उठने बैठने में कोई तहजीब का पहलू आपको नुमाया नहीं दिखाई देता, तो जाहिर है वो शायर जितना भी अच्छा हो फिर उसको पढ़ लिया जाए उससे मिला ना जाए। इसलिए कि वो शायर तो वही है, फनकार तो वही है जिससे मिलने के बाद दोबारा मिलने की आरजू पैदा हो। बिल्कुल सही बात। वो तो फिर अच्छा। डॉक्टर पिछले दिन आपके बर्मिंगम में गुजरे हैं, जी जी कैसे पाए वो दिन? बहुत ही उम्दा जी, जी बस वो सब मोहब्बतों के सिलसिले थे। हमारे बहुत ही फोक फनकार हैं, बहुत ही अच्छा लोक गायक तुफैल हैदरी साहब, और हमारी बहन है कुलसूम अख्तर मुस्कान, उनका वो है अदब दोस्त हैं बहुत, और बिल्कुल बहुत मोहब्बतें मिली। और मुझे अफसोस है कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं महमूद हाशमी साहब ऐसे हमारे सीनियर जो वहाँ पे मौजूद हैं मैं उनके यादत करता और उनके हाजिरी देता, मगर कुछ ऐसे सिलसिले थे वहाँ पे कि हमें बहुत जल्द वापस आना पड़ा यहाँ दोस्तों के लिए। तो बहरहाल निज़ामी साहब ने अपने यहाँ जो मेरे लिए नशिस्त रखी उसमें उनकी आवाज़ जो है वो मुझ तक पहुंची, बात हुई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। हमारे बहुत ही काम करने वाले माशाल्लाह यहाँ पे ऐसे ऐसे सीनियर्स, नई नस्ल के भी हमारे दोस्त जो काम कर रहे हैं, आप सब लोग भी उसमें शामिल हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग सफ़ीर हैं अदब के, सकाफत के, मोहब्बतों को फ़रोग दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। वहीं पर बर्मिंगम में मसरत यासमीन साहबा हैं, सगीर हुसैन साहब हैं, बड़े अदब दोस्त हैं, तो फैल साहब के दोस्त, सब मोहब्बत करने वाले। जहांगीर साहब से मुलाकात हुई, आफ्ताब साहब से हुई, और कुछ दोस्तों से मुलाकात हुई, मगर वो नशिस्त के लिए कोई वक्त मैं नहीं दे सका चूंकि वहाँ कुछ ऐसे सिलसिले थे दोस्तों से मिलने के। मैंने सोचा कि उसको खालिसतन गैरत भी रखा जाए। जी जी ये कॉल प्रोग्राम में शामिल करते हैं जी, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से? मैं अजहर खान बोल रहा हूँ। जी जी मेरा एक क्वेश्चन है डॉक्टर साहब से। जी 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 बिल्कुल। जो कलम है वो अपने मफाद के लिए आया या किसी के फायदे के लिए आया? जी। और जो बम है किसी बच्चों के पैरों से बांध के बांधने के लिए आया है या खोलने के लिए आया? जी वो सवाल कर रहे हैं जी, कार्डिफ से कॉल है कि ये कलम जो है ये अपने फायदे के लिए है या दूसरे के फायदे के लिए, अपने मुफाद के लिए, और बम जो है ये बच्चों के जो पैरों में बांध के जो हो रहे हैं ये किसका फायदा कर रहे हैं? असल में एक तो बहुत शुक्रिया उनके मवासलाती रबते पर, उन्होंने इतनी मोहब्बत से देखा और मुझे सुना भी और फिर कॉल भी की। अब्दुल खान साहब आप तो खुद समझदार हैं और समझती हैं माशाल्लाह कि ये सारी बातें जो हैं जो किसी भी माशरे के लिए, किसी भी कौम के लिए, बनी नौ इंसान के लिए जो फ़ायदा नहीं दे सकती,
तो जाहिर है कि वो अच्छी नहीं है और वो कभी भी उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। और जहाँ तक कलम की बात है, कलम का फ़ायदा जो है वो अपने तक भी होता है और दूसरों तक ही होता है। मिसाल के तौर पर मेरे पास अल्लाह ताला ने अगर मुझे थोड़ी बहुत जो ताकत दी है, मैं वो कलम उसमें मैं लिखता हूँ, मैं लेक्चर तैयार करता हूँ यूनिवर्सिटी के लिए, कॉलेज के लिए, टेलीविज़न का स्क्रिप्ट लिखता हूँ और दूसरे प्रोग्रामों के लिए जाता हूँ, तो उस कलम की ताकत से जाहिर है कि मेरे लिए अल्लाह तबारक व ताला ने एक वरिज़ का सिलसिला जो है वो लिखा है और मुझे बहुत खुशी है। और मैं इस पर बहुत सआदतमंदी पर बहुत इस मुकद्दर पर बहुत नाज़ा भी हूँ कि जो मेरा शौक़ था खुदा ने उसमें मेरा रिस्क भी लिखा है। और जहाँ तक उस कलम के ज़रिए जाहिर है कि जब मैं कोई नाते रसूल मकबूल के लिए अल्लाह तबारक व ताला के लिए कुछ मुझे तौफीक होती है, हम्द और नाते रसूल मकबूल, उसमें जितने भी दीनी हल के हैं वो मेरे लिए खसूसी तौर पे दुआ करते हैं, खुशी होती है। और अदब के लिए जो काम हो रहा है और शबे रात भी है जी, जी हाँ, तो वो जाहिर है कि वो दूसरों के लिए भी होता है। वो ये फायदा जो है रूहानी तौर पर एक जज्बाती तौर पर तस्कीन होती है, आदमी अपने माफी जमीर बयान करता है, वो अच्छा लगता है। तो ये तो देखे ना जी, इंसान के अपने इस्तेमाल है कि वो उससे इस्तेमाल किस तरह कर रहा है चीज को। एक अच्छाई भी है, एक बुराई भी है, जाहिर है। रास्ते का चुनाव जो है वो इंसान पे मतलब कि वो किस तरह देखता है उसको। तो जी अपना अनवर जमाल फारूकी साहब जी, आप किस तरह देखते हैं ये? अभी सवाल उन्होंने पता नहीं तंज किया है या जी, मैं क्या बिहाइंड उनके मकसद था? अभी आपसे जब आपने इब्तदा में एक सवाल किया और उसमें जाली डिग्रियों के हवाले से आपने बात की, और फिर आपने उन अदीब और दानिशवरों की भी बात की जो बेअदबी का शिकार है। जी जी जी। तो अदब में भी वो जो जाली डिग्रियां हैं वो मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मैं ये समझता हूँ कि अदब में वो जो बेअदबी के मुर्तकिब लोग हैं वो बुनियादी तौर पर इसी के। और अगर आप माशरे में थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं, एक नॉर्मल जिंदगी गुजारना जी और जीने दो के तस्वूर है, उससे जो आदमी भी हट जाता है वो मेरे हिसाब से नॉर्मल जिंदगी गुजारता है। अपने बच्चों को मार देना या किसी के बच्चों को मार देना एक ही जुर्म है, वो एक ही अजियत से आपको गुजरना होता है जी। अगर आप महसूस करें आपके अंदर का इंसान बेदार है जी, 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 जी। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि कलम जो है, अभी हम परसों भी यही बात कर रहे हैं। मैं माजरत के साथ आपको रोकूंगा, कॉल प्रोग्राम में शामिल कर लें जी। अस्सलाम वालेकुम जी। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। ओ बिस्मिल्लाह हैदरी साहब। जनाब जी ठीक आओ? जी हैदरी साहब तुम सुनाओ, तबीयत ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस वहीं से खा रहे हैं जी। देख रहे हैं प्रोग्राम? बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है माशाल्लाह, आज बहुत खुशी हो रही है, दूसरी दफा तुम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था। बस मोहब्बत है डॉक्टर साहब जी के दावत तशरीफ लाए हैं। थोड़ी जी मेरी अर्ज है जी जी, इन्होंने एक मैं बुक माइए पढ़े सन उर्दू के माइए जी जी जी, इन्हों के इंतजा अर्ज है कि जो सू सुना देते। चलो बिल्कुल जी, ये भी ताड़ी फरमाइश हैदरी साहब नोट कर ली है। नाम नहीं याद, मैं मेरा सलाम अर्ज कर देना। जरूर जरूर। अनवर जमाल फारूकी साहब माशाल्लाह बहुत बड़े शायर ने, ते दूसरा क्या जी शबरात भी है, ते कुछ उन्होंने हवाले नाल भी इन्हों को कुछ इतने खिता है पठवार के लोग, उन्होंने भी फरमाइश है कि जी डॉक्टर साहब को पठवारी च कुछ सुनया जाए। जी तो बहुत शुक्रिया ताड़ी कॉल का। जी तो मुझे कहा जा रहा है जी ब्रेक के लिए कि ब्रेक रेडी है, तो हम थोड़ी देर के लिए ब्रेक पे जाएंगे, तो नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मुख्तसर सी ब्रेक के बाद हम वापस आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।